नमस्कार। और मजे आ रहे हैं आपको चाइना का सामान तोड़ते हुए? तोड़ो तोड़ो, सब कुछ तोड़ दो, अपने घर का सारा सामान तोड़ दो और ले लो बदला चाइना से। अपने इस फोन को भी तोड़ना, लेकिन वीडियो देखने के बाद। लेकिन क्या चाइना को फर्क पड़ेगा आपका चाइना का सामान तोड़ने से? घंटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वो चीजें ऑलरेडी खरीद चुके हो, उन पे पैसा भी लगा चुके हो, आप उन्हें तोड़कर अपना ही नुकसान करोगे। तो सवाल ये उठता है कि कैसे बहिष्कार करें हम चाइना का, उस चाइना का जिसने तकरीबन 70 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंडिया में, और वो भी हर एक सेक्टर के अंदर। भाई साहब, अगर हमने एकदम से रोक दिया ना चाइना को, तो शायद इंडिया 20 से 25 साल पीछे चला जाएगा। तो फिर चाइना का करे क्या, जो हमसे शायद बहुत ज्यादा मजबूत है? अपनी इंडियन इकोनॉमी को बिना इफेक्ट करे हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चाइना को निकाल सकते हैं इंडिया से। लेकिन एकदम से चाइना को बीट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब कुछ बातें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। हमें प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट करनी पड़ेगी। हमें चाइना की जगह और कंट्रीज से अपने मटेरियल्स को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हमें बाहर की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को इंडिया में लाना पड़ेगा। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में आएंगी, तो उनकी वजह से कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, क्योंकि हमारे पास भी है पॉपुलेशन पावर। ऐसे और कई तरीकों से इंडिया बन सकता है चाइना का एक अल्टरनेटिव, जहां मिलता है सब कुछ। लेकिन बात हमारी जहां अटक जाती है वो है प्राइस। हमारा कहने का मतलब है, चाइना हमें देता है माल बेहद सस्ता, जो कि चाइना का सबसे बड़ा हथियार है। और अगर हम अभी की बात करें, तो हमें आदत पड़ चुकी है सस्ती चीजों की, क्योंकि हम क्वालिटी नहीं देखते, हम क्वांटिटी देखते हैं। तो हमें भी अपने आप को रोककर इंडियन प्रोडक्ट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी हमारी सरकार, जिसको अब ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। और ऐसा काम करना पड़ेगा कि ड्रैगन भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साथ ही हमारे शहीद हुए जवानों की कुर्बानी को जाया ना जाने दें। ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत सी जंग लड़नी है, बॉर्डर पर नहीं अपने देश के अंदर, चाइना के वायरस से, चाइना की दोगली स्ट्रैटेजी से और चाइना की गंदी पॉलिटिक्स से। टीवी, फोन, खिलौने, ये सब तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने देश के अंदर जंग जीत ली और चाइना को निकाल दिया, तो बॉर्डर पर खड़ा हमारा हर एक जवान 100 जवानों के बराबर होगा। और फिर चाइना की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठा के देखने की भी। अगर हम और ये सरकार अपने आप को देशभक्त मानती है, तो लग जाए ईमानदारी से चाइना को इंडिया से निकालने में, वरना वो दिन दूर नहीं जब चाइना पूरी तरह हावी हो जाएगा भारत पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अब आप ये फोन तोड़ सकते हैं। धन्यवाद।